पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन की शहादत पर मनाया जाने वाला मुहर्रम का त्यौहार पूरे अनुमंडल क्षेत्र में शांति और सद्भाव के वातावरण में मनाया गया। दर्जनों स्थानों से ताजिया जुलूस अखाड़े के साथ निकला, जो संबंधित क्षेत्रों से भ्रमण के पश्चात करबला मैदान तक गया। मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए, परंतु उन्होंने अधर्मियों का साथ नहीं दिया। उन्होंने धोखे से अपने कब्जे में कर अधर्मियों ने इस्लाम के पवित्र महीने तथा प्रथम महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख को मार डाला था। मुहर्रम समाज को संदेश देता है कि अधर्मियों का सदैव विरोध करना चाहिए, भले ही अपनी कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़े। अनुमंडल क्षेत्र के निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार रंगामाटी लक्ष्मण टुंडा रोसना टुंडा बड़की ताड़ डुमरी थाना क्षेत्र के डुमरी जामताड़ा नवाचार सहित विभिन्न स्थानों में इमाम हुसैन की शहादत की यादगार में ताजिया जुलूस निकाला, जिसमें न सिर्फ इस्लाम धर्मावलंबी भाग लिए बल्कि हिंदू धर्म के भी कई लोग इसमें शामिल थे। अनुमंडल प्रशासन के द्वारा सभी थाना क्षेत्रों के उन स्थानों पर दंडाधिकारियों के साथ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, जहां जहां ताजिया स्थापित हुए थे और ताजिया जुलूस निकाला गया, वहीं से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। आज मुहर्रम तीन गांव के समक मनाया गया, कर्मा टंगरी ठेको और जोगोडी, जो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हमारा जुलूस कब्रिस्तान करबला से होकर दुनियाघाट की ओर आए और थाना तक हमारा जुलूस आता है, जो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए और हसन हुसैन का नारा लगाते हुए हम लोग थाना तक पहुँचते हैं और हम लोग यहाँ कुछ घंटों तक कुछ मिनट तक हम लोग खेलते हैं और फिर हमारा जुलूस अपने गांव गांव की ओर कूच कर जाता है। उसके बाद फिर हम लोग इसी शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग 4 बजे फिर तीनों गांव का जो करबला में होता है और फिर हम लोग वहाँ कुछ देर तक आधा एक घंटा तक खेला किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग हाथिया वगैरह पढ़ के फिर हम लोग अपने अपने गांव कूच कर जाते हैं। हमारा जो ये त्यौहार है शांति का प्रतीक है। हम लोग इमाम हसन का जो संदेश दिए हैं कि बातिल के आगे झुकना नहीं है, जुर्म कितना भी बढ़ जाए लेकिन उसका डटकर सामना करना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से सामना करना चाहिए, यही सीख देते हैं और इसी सीख से हम लोग उस सीख को अपनाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस को निकालते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग उसको मनाते हैं। आज तक हम लोग ने जिस मुहर्रम मनाया है, कभी भी हमारे मुहर्रम में बहुत हम लोग सभी समुदाय के लोग आपस में मिलकर मनाते हैं और हमारा सहयोग भी करते हैं। लॉकडाउन में 2 साल हम लोग का त्यौहार जो है हम लोग का रुकावट हुआ, उसके बारे में कहते हैं। लॉकडाउन में हम लोग जुलूस को निकाले में जिस तरह हमारा सरकार का निर्देश था कि जुलूस नहीं निकालना है, अपने अपने जगहों पर ही त्यौहार को मनाना है, उस मतलब विषय को हम लोग पूर्ण रूप से मानते हुए जुलूस को नहीं निकाले और अपने गांव में ही मतलब शांतिपूर्ण ढंग से मनाए त्यौहार। और फिर जिस तरह अभी हमारी सरकार ने सारे नियम को मतलब छुटा कर दिया है, इस वजह से हम लोग जुलूस निकालें और मुहर्रम को एकदम बहुत ही बेहतरीन शांतिपूर्ण ढंग से मना रहे हैं और आशा करते हैं इंशाल्लाह कि हमेशा इसी तरह से हम लोग मनाएंगे और मनाते रहेंगे।